महामुकाबले से पहले ही थरथर कांप रहे हैं पाकिस्तानियों के हाथ पैर। किंग कोहली ने ग्रीन आर्मी को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की खाई सौगंध। शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं दिया गया खाना। कैमरे के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगे शोएब अख्तर और वसीम अकरम। टीम इंडिया के खिलाफ महामुकाबले से पहले ही लाहौर की सड़कों पर उतरे लाखों पाकिस्तानी फैंस। पाकिस्तान से क्रिकेट को बैन करने की करने लगे मांग, जिसे देख पीसीबी अधिकारियों के फूल गए हाथ पांव। अब से ठीक 40 घंटे बाद पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तान से महामुकाबला खेलना है, लेकिन उसके पहले ही अमेरिका के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद पूरे पाकिस्तान देश में मातम का माहौल छाया हुआ है। पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर उतर कर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जमकर विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि बाबर आजम के फैंस भी अब बाबर आजम को खुल्लम खुल्ला गालियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब मलिक, कई सारे पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कैमरे के सामने आकर रोते हुए इस पाकिस्तानी टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर हेकड़ी निकाल दी थी। यहां तक कि इन सभी पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि यह ग्रीन आर्मी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लायक नहीं है। दुनिया की सबसे फिसड्डी टीम अमेरिका के हाथों शर्मनाक हार मिलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने तो यहां तक कह दिया कि यह बाबर आजम कप्तानी करने के लायक नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी में खिलाड़ियों का मनोबल काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। यह पाकिस्तानी फील्डर तो गेंद को ऐसे पकड़ रहे थे जैसे कोई मछली पकड़ रहे हो। पाकिस्तानी बल्लेबाजी में कोई भी गहराई देखने को नहीं मिलती है। यह कद्दू जैसा मोटा खिलाड़ी आजम खान तो किसी के लायक नहीं है। यहां तक कि शोएब मलिक का भी गुस्सा देखने को मिलता है। इस दौरान पाकिस्तानी फैंस लाहौर से लेकर कराची पाकिस्तान की सड़कों को पूरी तरह से चक्का जाम कर देते हैं। पाकिस्तानी फैंस का बस इतना सा कहना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट को अब बैन कर दिया जाना चाहिए। यह पाकिस्तानी टीम हर बार के वर्ल्ड कप में हमारे जज्बातों के साथ खेला करती है। इनका तो जैसे आदत हो गई है कि हर एक वर्ल्ड कप में यह छोटी टीम से जरूर मैच हारेंगे और 9 जून को भारत के खिलाफ भी महामुकाबला खेलना है पाकिस्तानी टीम को। लेकिन उस महामुकाबले से पहले ही पाकिस्तान का हर एक खिलाड़ी भारतीय टीम से डरा हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के महामुकाबले से पहले ही पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ियों के हाथ पांव कांप रहे। अमेरिका जैसी नई नवेली टीम के हाथों शर्मनाक हार मिलने के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल छाया हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने तो इस दिन को पाकिस्तान के इतिहास का काला दिन भी घोषित कर दिया था। वहीं पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक दिन तक खाना नहीं दिया गया था। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान से लेकर शाहीन साफ रेदी, हर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठ कर रोता हुआ नजर आ रहा था। पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि 9 जून को भारत के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में उनका हाल क्या होने वाला है, क्योंकि भारत के दिग्गज बल्लेबाज और पाकिस्तानियों के लिए काल माने जाने वाले किंग कोहली तो पाकिस्तान को इस बार पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए सौगंध खा चुके हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी से डर लगता है तो उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली का बल्ला वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ लगभग हर एक मैच में चलता है। पाकिस्तानी टीम का हर एक गेंदबाज विराट कोहली के सामने मैदान पर थरथर कांपता हुआ नजर आता है और 9 जून को भी अमेरिका के मैदान पर विराट कोहली एक बार फिर से अकेले दम पर पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित कर देंगे। विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा भी शाहीन साफ अफरीदी और हारिस रऊफ की लाइन लेंथ को बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यह होगा कि 9 जून को भारत और पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले महामुकाबले में हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान को किस तरह से बुरी तरह से धूल चटाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में कितने रन बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा।